शानी आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? ये पूछने की जरूरत बाकी रह गई है क्या कोई? अगर तुम मुझे वाकई अपनाना चाहते हो ना तो उसे छोड़ दूंगा। उसे सोचा यही था कि उसकी मोहब्बत की कदर करते हुए कम से कम उसको साथ रहने का हक जरूर दूंगा, लेकिन अब जो उसने किया है उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं है। उसे छोड़ने की हिमाकत मत करना शानी। मतलब ये कि उसे जो कुछ हासिल कर सकते हो कर, उसकी प्रॉपर्टी में शेयर अपने नाम करवा लो ताकि उसको जिंदगी भर ये पछतावा रहे कि जिसने मेरे साथ किया उसको उसकी सजा मिल रही है। क्या बोल रही है तू? मुझे उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो तो तुमसे मोहब्बत करती है ना, तुम्हारे नाम पे वो कुछ भी कर सकती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसने जिस तरह मुझे रुसवा किया है उसके बदले में तुम उसकी सारी प्लानिंग पर यकीन कर लो, उसको खुद से इतना करीब कर लो तुम्हें खुद ही सब कुछ सौंप दे वो। बस कर दो सजी, होश में आओ। क्या पागलपन की बात कर रही हो? होश में ही हूं मैं। नहीं हो तुम होश में। मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे करीब आके उससे कुछ भी हासिल करने की, समझी तुम? शादी करोगी मुझसे आज और अभी? मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, मुमानी से बात कर लो, हम आज और अभी निकाह करेंगे। फिर कह रही इन परेशानियों से जान छुड़ा लो अपनी। खुद भी तो यही चाहती हूँ अम्मी, लेकिन कोई भी शानी और मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। शानी के साथ तुम्हारा सुख नहीं है, इसका अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, वो मुझसे निकाह करना चाहता है। मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि पप्पू अब इस रिश्ते से राजी होंगी। तो फिर तुम भी उससे जुड़ी हर उम्मीद खत्म कर। जो इंसान इज्जत के साथ तुम्हें नाम नहीं दे सकता वो तुम्हारा नहीं है। अम्मी इज्जत से नाम दे तो रहा है, अगर आप अपनी जिद छोड़ दें तो। जिद छोड़ दूं? मैं जिद छोड़ दूं? तुम अब भी ये कह रही हो? तुम्हारी सोच पे मुझे हैरत है। मेरी इज्जत तब टूटेगी जब उसकी माँ जिद छोड़ देगी। तो ये बिला वजह की आपकी और फूफो की जिद ना हमें कोई और कदम उठाने में मजबूर कर देगी। ठीक, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत। उससे कहो कि आए और तुम्हें आकर ले जाए, फिर तुम दोनों को जो कदम उठाना है उठा लेना। तसल्ली दे लूंगी अपने आप को। कि मेरे नसीब में अपनी तरबियत का यही सिला लिखा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि जब तक पप्पू नहीं मानेंगी यकीन रखे कि मैं उसकी अमानत ही हूं। कुलसुम कभी नहीं मानेंगी। अगर वो नहीं मानेगी तो मैं भी कभी नहीं मानूंगी। शांजे के सामने मेरी जीत तभी है जब वो खुद मुझे यहां से रुखसत करके लेकर जाएंगी।